इसराइल ने हिजबुल्ला के एक बड़े कमांडर को मार गिराया है। दक्षिणी लेबनान में विसम अल तावेल नाम का ये कमांडर मारा गया है। ये कमांडर हिजबुल्ला के राडवान बल ग्रुप के डिप्टी लीडर था। तो हिजबुल्ला के बड़े कमांडर को ढेर कर दिया है इसराइल ने। विशाल पांडे का मैं रुख करूंगी। विशाल, क्या अपडेट इस खबर को लेकर? देखिए, जिस तरह से लेबनान जो कि इसराइल की उत्तरी सीमा से लगा हुआ है, वहां पर लगातार जब से इसराइल और हमास के बीच युद्ध की शुरुआत हुई, रुक रुक कर हिजबुल्ला की तरफ से भी इसराइल की तरफ हमले किए जाते रहे और इसराइल भी उनका जवाब देता रहा है। लेकिन अब ताजा खबर ये सामने आ रही है कि इसराइल के एक स्ट्राइक में, एक हमले में लेबनान में जो हिजबुल्ला संगठन सक्रिय है उसका टॉप कमांडर मारा गया है और इस हमले में उसकी मौत हुई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि जिस तरह से इसराइल हमास का युद्ध चल रहा है उसमें एक फ्रंट लगातार हिजबुल्ला का खुला होने का डर बना हुआ है और रुक रुक कर जो इसराइल की के अलग अलग जो गांव है सटे हुए इस बॉर्डर से, चाहे वो मेटुला हो या उसके आसपास के गांव हो, वहां पर भी हिजबुल्ला की तरफ से रॉकेट से हमले किए जाते रहे और उसका जवाब इसराइल लगातार देता है और अब जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने हिजबुल्ला के टॉप कमांडर को मार गिराया है। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो हिजबुल्ला का एक बड़ा कमांडर मार गिराया है, इसराइली सेना ने हिजबुल्ला के कमांडर को ढेर किया।